हेलो फ्रेंड्स, सब लोग फ्रेश हो गए हैं। हाय करो देवा, विदु। अभी हम लोगों ने रात को नाइट आउट किया था और वहां से हम लोग डायरेक्टली आए हैं। फिर भी हम लोग बहुत फ्रेश है। थोड़ा सा बीच में हमने कॉफी ब्रेक लिया था, कॉफी वगैरह लेके फिर हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की। और देखो फ्रेंड्स, सनसेट कितना अच्छा लग रहा है। सनसेट का मजा ही कुछ और है। नाइट का समय है और ये देखो, अभी गूगल मैप भी दिखा रहा है कि 33 किलोमीटर हमारा बाकी है। 23 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको बाहर देख के क्या लग रहा है, कितना टाइम हो रहा होगा? पूरा सनसेट हो गया है, ट्वाइलाइट चल रहा है। तो ऐसे तो नॉर्मली हमारे यहाँ पे 6:30 या 7 o'clock को होता है, बट अभी का टाइम हो रहा है 5 o'clock। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी सऊदी अरेबिया में विंटर आ रहा है एंड यहाँ की विंटर कड़ाके की विंटर होती है। यहाँ पे बहुत ठंडी होती है। हम लास्ट टाइम बहरीन गए थे, तब हम उस तरफ से गए थे किंग कॉजवे के लिए, बट अभी हम स्ट्रेट जा रहे हैं क्योंकि हमें दमाम जाना है। और फ्रेंड्स, ये सामने जो दिख रहा है वो क्या लगता है आपको, क्या होगा? तो ये है वर्ल्ड कल्चर सेंटर की बिल्डिंग। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 5:17 और अंधेरा देखो कितना हो गया है। और अभी हम लोग आ गए होटल में। चलो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको रूम टूर दे देती हूँ। यहाँ से हमारा रूम स्टार्ट होता है। यहाँ पे सबसे पहले एंट्री करनी रही किचन है। यहाँ पर एक एम्प्टी रूम दिया हुआ है और फिर ये हमारा रूम। यहाँ पर वॉशरूम है। ये है हमारा रूम। दीदी से हाय। हेलो। हम चलते हैं मामा डैडा के रूम में। यहाँ पर है वॉशरूम, यहाँ पर है मामा डैडा का रूम। डैडा से हाय। फ्रेंड्स, अभी हम लोग तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं, देखते हैं कौन सी प्लेस अच्छी है, जाके देखते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। चलिए तो फिर चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारे होटल के बाहर का व्यू भी आपको दिखाते हैं। मॉल है एक। कल हम लोगों ने आने के बाद ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि रात को लेट हो गया था थोड़ा सा, और खाना वगैरह खा के हम लोग सो गए थे, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाए। इसलिए आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं एक ऑरेंज बीच पे और यहाँ का व्यू एकदम बढ़िया लग रहा है। बड़े बड़े टावर हैं सर, पार्क भी बहुत अच्छा है। नाइट के टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट बीचेस में आता है, बीच ही नहीं यहाँ पर गार्डन भी बनाया है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ही ऐसे भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, ये पार्क इतना अच्छा था कि रील्स बनाना तो बनता ही है, और अगर आपको वो रील्स देखना है तो हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हाय, थोड़ी थोड़ी जगह पे किड्स प्ले एरिया दिया है इन्होंने, गार्डन प्लस किड्स प्ले एरिया। यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, किड्स प्ले एरिया बहुत सारे जगह पे है, गार्डन है और सामने ही बीच भी है। पार्क के सामने ही बिल्डिंग का व्यू बहुत अच्छा है एंड पार्किंग भी है इधर बहुत सारी। तो फ्रेंड्स, दमाम की जर्नी हमारी यहाँ तक ही थी। घूमने के लिए तो बहुत सारी जगह थे पर हमारे पास इतना टाइम नहीं था, सो अगली बार अच्छे से टाइम निकाल के हम आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाने के लिए जरूर आएंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आपने एंजॉय किया होगा एंड इफ यू डिड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Stay tuned. Thank you for watching. Bye bye.